हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ऑन चैप्टर लाइट। और मैंने इस वीडियो में सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक के क्वेश्चंस लिए हैं। रिफ्लेक्शन बाय मिरर, कौन सा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पर पूरे रिफ्लेक्शन के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन है 2015-16 सेशन का, 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है -1। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। और आगे भी है, स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें रे डायग्राम भी बनाना है और न्यू पोजिशन के लिए रे डायग्राम भी बनाना है और रीजन आउट भी करना है जो आप दे रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले इसमें रूल्स हम देख लें एक बार। अच्छा, रे डायग्राम्स मैंने सारे कॉनकेव मिरर के जो 6 रे डायग्राम्स हैं और कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स हैं वो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। राजेश चौधरी क्लासेस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो उसमें पूरा रे डायग्राम्स हैं और डिटेल में उनको बनाया हुआ है, तो आप देखिएगा। चलो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लें। कौन सा मिरर है, कौन के है? ये कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर हम इसका ये जो पार्ट है, दिस इज पोल और इसका ये पोल, अगर इस पोल को हम ओरिजिन मान लें, कार्टेशियन सिस्टम में जैसा होता है वैसा अगर हम इसको ले लें, ये एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, इधर पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई, सेम ऐसे इसमें भी। तो आपको जो भी डिस्टेंसेस है इस साइड के वो पॉजिटिव होते हैं ना, नंबर लाइन पे 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव, इधर नंबर लाइन पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, बस वही सेम यहाँ पर फॉलो करना है। तो साइन क्लियर हो गया सबको कि कैसे लेने, कोई भी डिस्टेंस अगर इधर है चाहे एफ हो या वी हो, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला जो भी होगा वो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ऊपर में अगर कोई है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, अगर नीचे बन रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर साइन कैसे लेना है। अब यहाँ देखो, ये तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है ये। यहाँ पे दिया हुआ है इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कैसी इमेज है, रियल इमेज है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे -1। सबसे पहली बात तो रियल इमेज किस में बनती है, कौन से मिरर में बनती है रियल इमेज। रियल इमेज लिखा है इसका मतलब कौन के मिरर, ये क्लियर। रियल इमेज मीन्स कौन के मिरर। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, अगर इमेज 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपको -1, माइनस शो कर रहा है कि वो रियल इमेज है, और 1 क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 मीन्स जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज है, सेम साइज। और सेम साइज का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, यही तो था, पढ़ा था ना हमने, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज सी पे बनेगी, तभी तो सेम साइज की होगी। सेम साइज क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन वन मीन्स इमेज जितनी साइज की है उतनी ही साइज का ऑब्जेक्ट है, -1 मतलब कि रियल इमेज है, क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ गया, क्वेश्चन में पूछा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज इधर बनती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करेंगे, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आंसर होगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, या बोल सकते हो यू इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर सबको। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अच्छा पहले एक बार इसको समझ लें जो यहाँ पे बोला गया है, कॉनकेव मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेम साइज का कहाँ बनता है, यहाँ पर ये वाला रे डायग्राम इन्होंने पूछा नहीं है, ये मैं बना रही हूँ समझाने के लिए। देखो, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो क्या होता है, लाइट रे,
अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, और अगर लाइट रे फोकस से पास होती है, इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, इट इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इमेज क्या बनी सी पे, ठीक है. तो ये अपना, ये पूछा नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए, ये वाला रे डायग्राम. अब इन्होंने क्या बोला, इफ द वेयर वुड बी द इमेज, वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स अ मिरर. अब मिरर के 20 सेंटीमीटर आप आगे आ जाओ, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इमेज कहाँ बन रही है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. अब 20 सेंटीमीटर आप इधर आ जाओ क्लोज, तो कहाँ पर आ गए ऑब्जेक्ट, कहाँ हो गया. अगर आप 20 सेंटीमीटर क्लोज आ गए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो गया, देखो ध्यान से, ये टोटल 40 है, यहाँ से यहाँ तक 20, मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया फोकस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया. तो वेयर वुड द इमेज बी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी. तो इसका आंसर होगा इमेज विल बी फाउंड एट इन्फिनिटी. उसको अब हम रीजन आउट करेंगे और उसका रे डायग्राम बनाना है. तो ये वाला रे डायग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो रूल फॉलो करेंगे. If a light ray is parallel to incident parallel to principal axis, then after reflection it passes through focus. और center of curvature ले रहे हैं यहाँ पर आगे. अगर light ray incident होती है focus से pass होती है, मतलब अगर light ray focus से pass होती है, तो it अगर ये ऐसे pass हो रही है, तो क्या होगा? It will retrace its path. मतलब जिस path से गई है उसी path से वापस आ जाएगी. ये रिफ्लेक्टेड, ये कहीं पे मीट नहीं हो रही है, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है. तो ये रीजन के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरह से भी समझ सकते हैं, मैं दूसरा अप्रोच भी बता देती हूँ. दूसरा अप्रोच क्या होगा, रे डायग्राम्स तो आपको क्लियर है. सपोज हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, माइनस वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस वन इक्वल टू माइनस वी, कितना है माइनस 40 अपॉन यू. इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यू इधर जाएगा, ठीक है, तो यू इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर आ गया. चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वेयर वुड द इमेज बी, मीन्स इमेज कहाँ होगी. इफ द ऑब्जेक्ट इज मोर 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स अ मिरर, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया माइनस 20. पहले ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था मिरर से लेफ्ट साइड में, अब वो 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, तो अब कितना डिस्टेंस हो गया मिरर से 20 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये हमारे पास है, अब हमें v निकालना है. v कैसे निकालें, दूसरा अप्रोच है, इससे f निकाल लें पहले u और v से. 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूले में पहले पुट करते हैं, वी कितना है माइनस 40, ये माइनस 40 माइनस ऊपर लिख दिया, प्लस 1 अपॉन यू कितना है माइनस 40, ठीक है, माइनस 1 बाय 40, और इस नेगेटिव साइन को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 बाय 40, तो ये कितना आ गया माइनस 2 बाय 40 मीन्स माइनस 1 बाय 20. सो 1 बाय एफ इज माइनस 1 बाय 20, और यू कैन राइट एफ इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, ठीक है. मतलब इमेज कहाँ बनेगी, अब इससे निकाल सकते हैं इमेज कहाँ बनेगी. F तो सेम रहेगा ना, मिरर तो वही है, मिरर हमने चेंज नहीं किया, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो ये थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है, पहले वाली जो अप्रोच थी वो इजी है, रे डायग्राम और कंसेप्ट से हमने कर लिया था. यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ. वापस से हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, हमें वी इमेज की पोजिशन बतानी है जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मूव कर दिया हमने टूवर्ड्स अ मिरर. v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 अपॉन v को इधर ले लेते हैं, यहीं रहने देते हैं और इनको शिफ्ट कर दिया. 1 अपॉन f कितना है, f तो वही रहेगा माइनस 20 माइनस का साइन, 1 अपॉन u कितना है माइनस 40. अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया कितना जीरो. 1 बाय v इक्वल टू जीरो मीन्स v कितना हो गया इन्फिनिटी, है ना, जीरो बाय वन, जीरो बाय वन नहीं, वन बाय जीरो, वन बाय जीरो हो जाएगा ना, ये इसको इधर ले जाओ, इसको जीरो को इधर ले जाओ, वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है. तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2015-16 सेशन का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है. इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट है इसका, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते थे. फर्स्ट पार्ट, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर. सेकेंड पार्ट, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दिस फॉर्मेशन. थर्ड पार्ट, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. शो द पोजिशंस ऑफ पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अबव रे डायग्राम्स. ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन था पहले ही. देखेंगे यहाँ पे बोला है कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर पढ़ते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? 6 केसेस, 5 रियल एंड इन्वर्टेड, 1 वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, यहाँ क्या बोला? इरेक्ट इमेज मतलब लास्ट केस. इरेक्ट इमेज कब बनती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है. तो हमें ये क्लियर हो गया कि रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा. इमेज स्मॉलर और लार्जर मतलब रे डायग्राम हम बना ही लेते हैं इस केस का. इस केस का रे डायग्राम बना ही लेते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है सेकेंड पार्ट में रे डायग्राम बनाओ, तो ये पूरा समझ में भी आ जाएगा. पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम लिखते जाते हैं. देखो, दिस इज नोन एज अपर्चर. दिस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज नोन एज अपर्चर. उसका मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल. ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर. एंड दिस इज फोकस. मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज फोकस. ठीक है, अब आपको बोला है कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए. इरेक्ट इमेज मतलब अभी बताया जस्ट कि ऑब्जेक्ट का होना चाहिए बिटवीन पी एंड एफ. तो ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया बिटवीन पी एंड एफ. ठीक है, रूल फॉलो करेंगे. इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. ठीक है, एक तो ये रूल, और एक रूल हम यूज करते हैं कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है. ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वापस से उसी पाथ पे वो निकल जाएगी, रिट्रेस हो जाएगा. इट गेट्स रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ. तो इमेज कहाँ बनी? थोड़ा सा सही करें इसको. मैंने पहले भी बताया आपको, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि हम जो बना रहे हैं फिगर उसमें उस मिरर का हमें फोकल लेंथ भी नहीं पता है. ठीक है, हम तो एक रफ फिगर बना रहे हैं ना, रफ फिगर को हम अच्छे से शो कर रहे हैं सारे रूल्स को फॉलो करते हुए. तो कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है, जैसे जस्ट अभी मैं करने वाली हूँ. क्योंकि मुझे पता है कि इरेक्ट इमेज बननी है. इरेक्ट इमेज बननी है, कहाँ बननी है? बिहाइंड द मिरर. तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है, ये सी इधर कर दे. ये डिस्टेंस तो सेम ही है, सेम ही लग रहा है. मान लो कि सेम ही लग रहा है ना, लगना तो सेम ही सेम. चलो इंसिडेंट रे. ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. अब ये क्या हुआ? यहाँ तो कहीं मीट ही नहीं हुई है ना, तो हम क्या करेंगे? इस साइड पे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे. स्केल से करना है, हाथ से टेढ़ा वेढ़ा नहीं करना है, सबको ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश इमेज. अब क्वेश्चन क्या था? रेंज और डिस्टेंस बताना. किसका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. रेंज ऑफ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो फर्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ 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 से कहाँ तक हो सकता है? लेस देन 12 सेंटीमीटर ना, क्योंकि फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होता है? ये डिस्टेंस, पोल और फोकस से बीच का डिस्टेंस, ये है 12 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन में साइड में है, तो एक्चुअल में एफ इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, पोल के जो भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेज मेजर करोगे वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक्स इस साइड पे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स होता है. ठीक है, तो ये नेगेटिव. एफ इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर है. और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ऑब्जेक्ट का? 12 सेंटीमीटर से कम, लेस देन 12 सेंटीमीटर. लेस देन 12 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया? फोकस से कम होना चाहिए. इसके बाद हम लेते हैं सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट देखिए. नेक्स्ट पार्ट में पूछा है विल द इमेज बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. कैसी इमेज? एंड लास्ट है ना, लार्जर. वैसे ही भी याद होना चाहिए आपको, कॉनकेव मिरर में एक ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ हो. और उसमें कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज होती है वो एनलार्ज्ड होती है, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड होती है. ठीक है, याद आ गया? वेरी गुड. तो इमेज विल बी लार्जर. अब इसका रे डायग्राम ये हमने बना दिया. ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए रे डायग्राम है. चलो अब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी. वेयर विल द इमेज
of this object be if it is placed 20 centimeter in front of the mirror? If it is placed 24 centimeter. If it is placed 24 centimeter in front of the mirror, minus नहीं लिखा question में. Question में क्या लिखा? It is placed 24 centimeter in front of the mirror. मतलब mirror के सामने 24 centimeter पे object रखा है. ये object है और इसका distance कितना है? 24 centimeter. ठीक है? तो क्या find करना है? Image कहाँ होगी? और उसका ray diagram भी बनाना है. तो दोनों एक साथ चलते हैं हम. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें हमारे पास है माइनस 24. माइनस क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा चाहे कोई लेंस हो, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, चाहे कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव. ये याद रखना. ठीक है? तो ऑब्जेक्ट है इतना. फोकल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर. एफ, ये एफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर. सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं. ठीक है? और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ओ ऑब्जेक्ट. ठीक है? अब तो ऐसे ही गैस कर सकते हैं, ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के भी गैस कर सकते हैं. ये एफ 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? सी एफ मिड पॉइंट होता है ना, ये 12, यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक भी 12, तभी तो 24 बनेगा. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पे. और अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, देन इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी. ठीक है? तो क्लियर हो गया. तो इमेज कहाँ होगी? इमेज डिस्टेंस भी होगा माइनस 24 सेंटीमीटर. ठीक है? कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअली रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर या एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है? अब चाहे तो इसी सेम चीज को हम दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं. वी इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला. तो देखिए मिरर फॉर्मूला, अब अलग अप्रोच, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है? क्योंकि ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि डबल डिस्टेंस पे. अब दूसरा अप्रोच क्या होगा? मिरर फॉर्मूला लगाते हैं. 1/v प्लस 1/u इज 1/f, राइट? अब हमें v निकालना है तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. 1/f कितना है? फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, माइनस 12. ये माइनस का साइन, 1/u यू कितना है? माइनस 24. यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान रखेंगे. ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा. ठीक है? तो क्या हो गया? माइनस 1/12 प्लस 1/24. ये नेगेटिव साइन हम ऊपर ले लिया. अब एलसीएम ले लो. ठीक है? तो 1/v इज माइनस 1/24, सो वी विल बी माइनस 24. ठीक है? तो हम इस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. इस पे रे डायग्राम भी बनाना है, तो इसको हम कंप्लीट कर ले. रे डायग्राम बना के बोला है क्वेश्चन में, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें समझ में आ गया. ठीक है? फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं. इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. एंड इफ अ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, देन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो ये हो गई इमेज फॉर्मेशन. ठीक है? एट ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट द सी, एट सी एंड इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2015-16 का ही क्वेश्चन है. पहले एमसीक्यू आते थे, 1 मार्क का एमसीक्यू है. मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, स्टार्टिंग का आप देख लें, ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, ध्यान से सुनिए. टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉनकेव मिरर, यू फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द मिरर ऑन अ स्क्रीन. फोकस करते हैं हम, वो जो सन वाला केस है वैसा. द इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज. ये ऑप्शन है. क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखो एक बार समझ लो. वैसे तो आंसर शायद आपको आ ही गया है. आ गया ना? वेरी गुड. फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें इमेज चाहिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की. मतलब जब भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की हमें इमेज लेनी है तो हम इंसिडेंट रेस कैसी लेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है? तो लाइट रेस, दो लाइट रेज ले लेते हैं. इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही है सन में से. हम अपने फिगर के लिए, कन्वीनियंस के लिए दो ही लाइट रेज लेंगे, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो वो जहां मीट करेंगी वो हमें इमेज
फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज मिल जाएगी। तो रूल क्या है, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासस थ्रू फोकस, ये हो गया, और ये वाली भी फोकस से पास हो गई, ठीक है। तो अब ये इमेज कैसी है, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है, लेकिन यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड तो लिखा है, डिमिनिश्ड भी लिखा है, डिमिनिश्ड तो सब में लिखा है। अब तो हम क्या चेक करें, हम ये चेक करें कि ये रियल है कि इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर में कितने केस होते हैं, 6, उसमें से 5 केसेस में बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, 1 केस में बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ हो, वो केस नहीं है यहाँ, स्टार्टिंग का केस है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्वर्टेड कहीं लिखा है, इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड हो गया। और यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है, यहाँ पर डिमिनिश लिखा है तो ये भी चलेगा, क्योंकि इरेक्ट तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इरेक्ट नहीं है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कौन के मिरर में, इन फ्रंट में जो भी बनती है वो सब रियल इन्वर्टेड होती है, और जो पीछे बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, एक ही केस होगा, ठीक है। तो ये कैसी इमेज है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में डिमिनिश्ड लिखा है तो इन्वर्टेड के साथ डिमिनिश्ड, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट placed in front of it is always erect and diminished. Note करो, erect and diminished. What type of mirror is it? आगे है draw a labeled ray diagram to support your answer. तो देखिए, erect image, virtual and erect image, दोनों ही mirror में बनती है, concave हो या convex हो। Concave mirror में between P and F अगर object होता है तो virtual and erect image बनती है, लेकिन वो होती है enlarged image. यहाँ पे क्या बोला है, डिमिनिश्ड, तो कौन सा है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा या ऐसा, दोनों चलेगा, लेकिन हम बनाएंगे जिसमें इंसिडेंट रेज लेफ्ट साइड से आए, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। तो हमने बना लिया, ये रे डायग्राम बनाना है आपको, दिस इज पोल, दिस इज एम एन इज अपर्चर, दिस इज अपर्चर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। यहाँ पे बोला है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि क्या पूछा है, वॉट टाइप ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर, क्योंकि इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म ओनली इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज होती है लेकिन वो एनलार्ज्ड होती है, राइट। तो चलिए रे डायग्राम, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लें, कहीं पे भी रख लें, दो केस है इसमें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और कहीं पे भी, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्होंने एक लेबल रे डायग्राम बनाने को बोला है। रूल फॉलो करते हैं, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मिरर होता है ना, ये होता है डाइवर्जिंग, तो लाइट रेज को डाइवर्ज कर दें, ऐसे जाएगी, और अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करेगा तो ऐसा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है, ठीक है। अब हमें इमेज बनानी है तो एक और लाइट रे लेना पड़ेगा, एक और लाइट रे के लिए कौन सा रूल लगाया है, हम लगाते हैं रूल, अगर इफ अ लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर लाइट रे को हम फोकस, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं तो क्या होगा, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, इस टॉप से हमने लाइट रे लिया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, सॉरी इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। ये डॉटेड लाइन तो हमने इसलिए बनाई है क्योंकि ये लाइट रे से कहीं मीट ही नहीं होगी ना, क्योंकि तो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग होता है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया तो अब लाइट रेज मीट ही नहीं होती, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, किधर, इस साइड, यहाँ पर देखो डॉटेड लाइन से बनाया, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है इसलिए डॉटेड लाइन से बनाया है, और ऐसी इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है, कैसी है इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, और ये ध्यान रखेंगे हमें कैसे पता कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड,
अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो इरेक्ट, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये लेबल रे डायग्राम हमारा हो गया, लेबल कर दिया ना फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, पूरा हमने लेबल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और कौन से ईयर का है वो मैंने नहीं लिखा हुआ पेपर में। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे और लास्ट सेक्शन ए सेक्शन बी होता था। सेक्शन ए में है, इसमें पहले 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में MCQ है। ठीक है, पैटर्न बदलता रहता है, चैप्टर वही है, क्वेश्चन तो वहीं के वहीं रहेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा, तो चलो करते हैं हम। क्वेश्चन है, अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर मीन्स 5 केसेस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, 1 केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 45 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में है, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ऑल्सो ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्योंकि देखेंगे एक बार, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल, प्रिंसिपल, फोकस एंड पोल। ठीक है, तो इधर से लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे, पोल को हम ओरिजिन कंसिडर कर लें कार्टेशियन प्लेन का, तो जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में लेंगे वो सब नेगेटिव होंगे, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो ये अंडरस्टूड है कि दिस इज -30 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, मीन्स एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन 45 सेंटीमीटर, तो ये -45 लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई भी मिरर कोई भी लेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। ध्यान रखेंगे, अभी तो मैंने आज सिर्फ रिफ्लेक्शन मिरर वाले क्वेश्चन लिए, कई इसके बाद वाले वीडियो में मैं सिर्फ लेंस वाले क्वेश्चन लूँगी, तो ये ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में मिरर दिया है कि लेंस दिया हुआ है। कभी कभी मिरर फॉर्मूले की जगह लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं और क्वेश्चन पूरा गलत है, सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, मिरर है कि लेंस है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में एफ नेगेटिव, यू तो किसी भी केस में हमेशा नेगेटिव होगा। अब यहाँ से हम बी निकाल लेते हैं, 1/v = 1/f - 1/u, सॉल्व करेंगे, इस साइड सॉल्व कर रही हूँ मैं, 1/v = 1/f, f कितना है -30। अब ये फॉर्म, ये साइन फॉर्मूले का माइनस, 1/u कितना है -45। देखो ध्यान से, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इस नेगेटिव साइन को हम ऊपर लिखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम एलसीएम लिख के सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 90 - 3 + 2, ये तो कर लोगे ना कैलकुलेशन में, 1/v = -1/90, सो वी इज -90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले मैं रे डायग्राम बना देती हूँ, फिर पोजीशन, नेचर और साइज सभी करना, एक एक करके सभी करते हैं। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कितना है, 45 सेंटीमीटर, से यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब रे डायग्राम बनाते हैं, तो इमेज अपने आप मिल जाएगी हमें। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, याद होना चाहिए, नहीं याद तो कोई बात नहीं, बन रहा है क्या, फर्स्ट रूल क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज, इफ लाइट, इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, फिर रूल लगाते हैं, दूसरा रूल, अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है फोकस से, इफ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड सी,
एक्चुअली थोड़ी सी और दूर बननी चाहिए क्योंकि 90 सेंटीमीटर बोला ना, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन, चलो मैनिपुलेशन मैंने कहा ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो हम कर ही सकते हैं ना अपना लॉजिक लगा के। क्या क्या छूटा है, क्या क्या हमने कर लिया, पोजीशन हमें मिल गई है, पोजीशन है, रे डायग्राम हमने कर लिया, पोजीशन हमने निकाल ली, पोजीशन क्या है 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्लियर। अब हम लेते हैं नेचर, कैसे इमेज का नेचर है, नेचर मींस रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअली रेक्ट है, क्लियरली रियल इन्वर्टेड है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है इसलिए रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इसलिए इन्वर्टेड, क्लियरली दिख भी रहा ना ये ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसे बन रही है तो इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज कैसी है, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपको साइज पूछा है, देखो यहाँ पे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि साइज में हम मैग्निफिकेशन निकालें या एच डैश निकालें, कुछ स्कूल में एच आई हाइट, चलो देख लो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, कई जगह पर एच डैश अपॉन एच की जगह आपको कुछ बुक्स में मिलेगा एच आई अपॉन एच ओ, सबस्क्रिप्ट में आई लिखा है इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज, और सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा है ओ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की साइज के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है एच, एच मीन्स हाइट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच डैश हमें मिलेगा साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए क्योंकि यहाँ पर एच दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको साइज पूछते और ऑब्जेक्ट, अगर आपको क्वेश्चन में पूछते कि इमेज की साइज बताइए और ऑब्जेक्ट की साइज नहीं दी हो तो आप मैग्निफिकेशन निकाल दोगे, कितने टाइम्स हुआ, 2 times, 3 times, 1/2 times, 0.23 times, कुछ भी हो सकता है जो भी आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन, साइज पूछा है तो हम क्या करें, एम निकालें या एच डैश निकालें, अगर एच दिया हुआ है तो एच डैश निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एच, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, वैल्यूज लेंगे माइनस वी कितना है माइनस 90, यू कितना है माइनस 45 इक्वल टू एच डैश अपॉन एच 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा 90 अपॉन माइनस 45 इक्वल टू एच डैश अपॉन 6, और 45 टू 90 तो यहाँ पे माइनस 2 बचा इक्वल टू एच डैश अपॉन 6, सो एच डैश विल बी माइनस 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर माइनस 2। माइनस क्यों आया, क्योंकि नीचे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इसलिए माइनस आया है ना। कार्टेशियन प्लेन में जैसे आप देखोगे इधर नीचे की तरफ जो डिस्टेंसेस होते हैं ऐसा होता है ना, वाई एक्सिस पे जो नीचे की तरफ डिस्टेंसेस होता है नेगेटिव होता है ना, इसलिए नेगेटिव आया। एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है इसलिए। तो यहाँ पे बोला है साइज, साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर इन साइज, 12 सेंटीमीटर इन साइज, और आप चाहें तो इसमें मैग्निफिकेशन ऐसे ही बता सकते हो, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर का और इमेज है 12 सेंटीमीटर की, तो डबल हो गई इमेज, ऑब्जेक्ट से डबल हो गई मतलब मैग्निफिकेशन 2, चाहो तो चेक कर लो, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चाहो तो भी चेक कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, मैग्निफिकेशन इज एच डैश अपॉन एच, ये फॉर्मूला, ठीक है। एच डैश है माइनस 12 और एच है 6 तो माइनस 2, मैग्निफिकेशन माइनस 2 मतलब माइनस मतलब रियल इमेज, एम नेगेटिव कब होता है जब रियल इमेज होती है, एम पॉजिटिव कब होता है जब वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ एम नेगेटिव मीन्स रियल इमेज है और 2 मीन्स 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो गया मतलब इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई, ऑब्जेक्ट अगर 6 सेंटीमीटर है तो इमेज कितनी हो गई
12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, और रिफ्लेक्शन के मैं और क्वेश्चन बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं रिफ्रैक्शन लेंस के भी क्वेश्चंस बनाऊंगी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।